अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेडेक्स इनफ्लोरेसेंस। तो स्पेडेक्स इनफ्लोरेसेंस जो ये टाइप है अरेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की। इनकेस ऑफ स्पेडेक्स इनफ्लोरेसेंस जो फ्लावर्स होंगे वो सीसाइल होंगे, यानी कि स्टाकलेस होंगे। पेडिसल जो होगा वो एब्सेंट होगा। यूनिसेक्सुअल होंगे या मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस में जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के बेस पर होंगे और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के टिप पर होंगे, पेडंकल के एपेक्स पर होंगे। तो याद रखें स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होता है, जो पेडंकल होता है, वो थिक एंड फ्लैशी होता है, जिसके अराउंड सीसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो वो डिवेलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो थिक एंड फ्लैश स्ट्रक्चर है जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, ये पेडंकल है और मेन एक्सिस है, जिसके इर्द गिर्द ये सीसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है डिवेलप हुए हैं, जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो इस पेडंकल के बेस पर डिवेलप हुए हैं, ये ओल्डर फ्लावर होंगे और ये जो फ्लावर्स हैं जो इस पेडंकल के टिप पर डिवेलप हुए हैं ये यंगर फ्लावर होंगे। ओल्डर और यंगर का मतलब ये है कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुए हैं, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, और ये जो यंगर फ्लावर है ये लास्ट में डिवेलप हुए हैं। स्पेडेक्स इनफ्लोरेसेंस में कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस के अराउंड आप लोगों को एक लार्ज ब्रेक्ट जो है वो मिलेगी, जिसको हम कहते हैं स्पैतम। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये ब्रेक्ट है, जिसको हम कहते हैं स्पैतम। और इस स्पैत का फंक्शन ये है कि ये इस कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस को प्रोटेक्ट करती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है मेसम। तो ये था स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस।